वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चंद्रिमा। मैं हूँ चंद्रिमा। आज की हमारी रेसिपी है टू टाइप्स ऑफ ग्रिल्ड सैंडविच। जी हाँ, घर में बहुत ही इजीली 10 मिनट में बनने वाली ये ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ है, ताकि आप बहुत ही जल्दी जल्दी झटपट ब्रेकफास्ट बना पाएँ। तो अगर आप ये चैनल और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको मेरे चैनल की हर रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सैंडविच जो है वेज ग्रिल सैंडविच। जी हाँ, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधे प्याज को यूज़ किया है, एक बड़े साइज़ का आधा प्याज, आधा टमाटर को ऐसे स्लाइस पत्ते पत्ते साइज़ में काट लिए हैं। आलू यहाँ पे ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ आलू को ऐसे बॉईल करके पतला पतला काट के रख दिया है। चार मैंने यहाँ पे ब्रेड यूज़ किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़, नमक, काली मिर्च, बटर और सॉस, जो सिंपल सा टमाटो सॉस हमारे घर में होता है वही यूज़ किया है। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा। तो चलिए पहले पैन को थोड़े से बटर से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसमें वाइट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रिलिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे विदाउट ग्रिलर हम कर रहे हैं, यानी कि तवा ग्रिल। तो जो अनियंस है और टमाटर है उसको धीरे धीरे करके हमें तवे के ऊपर दे देना है, और आँच को हमें ख्याल रखना है, आँच यहाँ पर लो फ्लेम पर ही हो, वरना ये ज़्यादा जल सकते हैं। तो 2 मिनट तक एक साइड से पकाने के बाद आप इसको दूसरे साइड पे फ्लिप कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और देखिए ऐसे अच्छे से ग्रिल मार्क्स इसके ऊपर आ चुके हैं। और दूसरे साइड से भी हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, खाली 2 मिनट तक ही हम इसे पकाएंगे। तो दूसरे साइड से भी पकाने के बाद इसे हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए, ग्रिलिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब सैंडविच को बनाते हैं। तो ये इसके लिए मैंने चारों स्लाइसेस को ऐसे रख दिया है। दोनों स्लाइस पे यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से बटर लगा रही हूँ। अगर आप बटर नहीं खाना चाहते हैं तो मार्जरीन या फिर कोई भी और सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो क्रीमी स्ट्रक्चर का हो। तो बटर के साथ यहाँ पे आप देखिए दोनों और जो ब्रेड है उनके ऊपर मैं सिंपल सा टमाटो सॉस लगा रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप चिली सॉस भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको टैंगी रखते हुए टमाटर का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए टमाटर सॉस का लगाया। और उसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे एक ब्रेड के ऊपर ऐसे हमने जो ग्रिल किए हुए थे पहले से अनियंस यानी कि प्याज, उनको हम डाल रहे हैं एक एक करके। अभी एक लेयर प्याज का बन गया है, उसके ऊपर जो ग्रिल टमाटर हमने रखे थे उसको भी हम रख देंगे कुछ इस तरीके से, और दोनों लेयर हमारे बन के एकदम से रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर बहुत ही सिंपल से हमने जो आलू स्लाइसेस करके रख दिए थे पहले से ही, उनको हम धीरे धीरे करके इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि और एक इवन लेयर बन जाए। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसके ऊपर थोड़ा सा एक पिंच ऑफ यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी इसके बाद मैं काली मिर्च ऐड कर दूँगी। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इसे मॉर्निंग में बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं अगर उनको सैंडविचेस पसंद है तो, या फिर खुद भी टिफ़िन रेसिपीज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होता। इसके ऊपर मैं एक स्लाइस यहाँ पे चीज़ के डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्लाइस डिश नहीं है तो क्यूब है, मोज़रेला है, पार्मेसान है, जो भी आपको पसंद है वैसी चीज़ आप डालें इसके ऊपर। और इसको दूसरी तरीके से मैंने ब्रेड को लगा के थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। अभी चलिए तवे को रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रिल सैंडविच है तो सैंडविच को हम इसके बाद थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे। तवे को लो फ्लेम पे रखते हुए मैंने यहाँ पे थोड़े से बटर क्रीस करने के बाद एक एक करके सैंडविच को यहाँ पे रख दिया है। अभी एक साइड से लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं ब्रेड पूरी तरीके से क्रिस्प हो चुका है, और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है इसके ऊपर, और इसी की वजह से ये ग्रिल जैसा टेस्ट भी करेगा। अभी दूसरे साइड से भी इसको हमें 2 मिनट तक पका लेना है, और उसके बाद इसको हमें प्लेट में निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल है, ईजी है। अभी मिडिल से इसको एक कट लगा देंगे हम, ताकि ये एकदम सैंडविच जैसा दिखने लगे।
देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी तरीका है। सैंडविच हमारा बनके एकदम से रेडी हो चुका है। अंदर से ग्रिलिंग जो स्टफिंग है वो भी दिख रही है, चीज़ भी दिख रहा है। बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से ये सैंडविच आप बनाइए। इसको केचप के साथ, या फिर अगर आपको तीखा पसंद है तो तीखे कोई भी सॉस के साथ इसे प्रेजेंट करें, खाइए। बहुत इजी है, ग्रिल है और बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको नोट डाउन करके रख दीजिए। इसके बाद इसके दूसरे रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारा सेकंड सैंडविच। सेकंड सैंडविच जो है वो है बहुत ही क्रीमी वेजी ग्रिल और साथ ही साथ एग सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये बहुत सिंपल प्रोसेस से बन जाएगा और ये जो सैंडविच है ये बहुत ही प्रोटीन पैक सैंडविच है, जो कि आप बहुत ही इजीली प्रोटीन के नीड्स के साथ आप अपने ब्रेकफास्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज आधा लिया है, आधे आलू और थोड़े से यहाँ पे 2-2 टेबलस्पून करके ही मैंने लिए थे, और टमाटर को स्लाइसेस करके रख दिए। और यहाँ पे मैंने एक एग लिया हुआ है, एग को ऐसे धीरे धीरे करके आप स्लाइसेस करके रख दीजिए। ये मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। अभी चलिए तवे को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे तवे को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर दिया बटर से, अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं जो कटे हुए प्याज और उसी के साथ साथ आलू और टमाटर जो है उन सभी चीज़ों को 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा ग्रिल कर लूँगी। और साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैं काली मिर्च मिला दूँगी, ताकि ये एकदम ब्लैंड ना हो, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर रहे। तो चलिए ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। ब्रेड को एक साइड से मैं यहाँ पे बटर लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से एक लेयर पूरा बटर का लगा दिया। और दूसरे ब्रेड पे यहाँ पे मैं टमाटर का ही सॉस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप कोई भी तीखा सॉस यूज़ कर सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो अलग से ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, यानी कि जो हरी मिर्च है उनके छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कर्ड लिया हुआ है, उसको अच्छे से फेंट लिया ताकि उसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, और साथ ही साथ जो ग्रिल किए हुए वेजीज हैं उनको डालें। थोड़े से नमक आपके स्वाद अनुसार और थोड़ी सी काली मिर्च आपके स्वाद अनुसार यहाँ पे मैंने डाले हैं। अभी इन सभी चीज़ों को मिला देंगे, और जो दही है वो फ्रेश दही यूज़ किया है, तो इससे प्रोटीन का जो पोर्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इस सैंडविच में। आप चाहे तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे कर रही हूँ इसके ऊपर बॉयल्ड एग के स्लाइसेस लगा के वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के ऊपर इसके एक लेयर बना दिए, और उसी के साथ साथ उसके ऊपर यहाँ पे मैंने एग के भी एक लेयर बना दिए हैं, और उसी के साथ यहाँ पे मैं थोड़ी सी नमक, और क्योंकि एग के अंदर तो नमक नहीं है तो उसको टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक और थोड़ा सा पेपर पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च यहाँ पे डाल दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्लाइस चीज़ के हम लगा देंगे, और बस इसको और एक साइड से कवर करके हमें इसे ग्रिल कर लेना है। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ नहीं है तो आप कोई भी और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ग्रीस कर लिया है, पर चीज़ को यूज़ करते वक्त अब लेयर को अगर थोड़ा ज़्यादा मोटा बना रहे हैं तो ख्याल इस बात का रखें जब आप ग्रिल करें तो उसको थोड़ा ज़्यादा ग्रिल करें, वरना पूरा जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं होगा। अभी एक साइड से 2 मिनट तक हमने ग्रिल कर लिया है इसको बहुत ही धीमे आंच पे, और दूसरे साइड से भी 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही ग्रिल कर लेंगे। ब्रेड हमारा क्रिस्प हो चुका है और सैंडविच एकदम से बन के रेडी है। तो चलिए इसको उठा लेते हैं और फिर इसके ऊपर एक कट लगा देते हैं मिडिल से, ताकि जो सैंडविच है हमारा बिल्कुल सैंडविच जैसा दिखने लगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं अंदर से एग्स, चीज़ और वेजीज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे ही हर रोज़ नए नए रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए किचन ऑफ चंद्री माँ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।